हाय फ्रेंड्स, क्या आप इंस्टाग्राम पे किसी को स्टोरी मेंशन करना चाह रहे हैं या फिर आप जानना चाह रहे हैं कि आप इंस्टाग्राम पे अपने स्टोरी को किसी भी फ्रेंड्स को मेंशन कैसे कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, मेंशन करने से ये होता है कि आप जिस भी फ्रेंड्स को अपना स्टोरी मेंशन करेंगे वो भी आपका स्टोरी जो है कि अपने प्रोफाइल पर लगा पाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आज इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे अपना स्टोरी किसी भी फ्रेंड्स को मेंशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना होगा। इंस्टाग्राम ऐप ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले आपको एक स्टोरी लगा लेना होगा। तो फ्रेंड्स, स्टोरी लगाने के लिए यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ से जिस भी फ़ोटो को अपने स्टोरी में लगाना चाह रहे हैं वो फ़ोटो का आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद यहां पे आपको स्टोरी में म्यूज़िक वगैरह लगाने का ऑप्शन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहां से आप अपने स्टोरी में म्यूज़िक लगा सकते हैं, स्टिकर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब करने के बाद अब आपको मेंशन करना है। तो फ्रेंड्स, मेंशन करने के लिए मैं आपको आज दो तरीका बताऊँगी, दोनों तरीक़े से आप अपने स्टोरी को किसी भी फ्रेंड्स को मेंशन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहला तरीका यह है कि यहाँ पर आपको एक ए का ऑप्शन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पहले 1:2 वाला एक ऑप्शन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी 1:2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एट द रेट का ऑप्शन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी एट द रेट पे क्लिक करेंगे और आपको जिस भी फ्रेंड्स को मेंशन करना है उसका नेम यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप एक दो लेटर जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे सबका प्रोफाइल शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको जिस भी फ्रेंड्स को मेंशन करना है उसका प्रोफाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर में डन का ऑप्शन मिलेगा, डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर ए के बगल में आपको एक इमोजी का ऑप्शन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी इमोजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक मेंशन का ऑप्शन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप मेंशन वाला ऑप्शन ढूंढ लेंगे तो फ्रेंड्स, मेंशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मेंशन का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे आपको जिस भी फ्रेंड्स को मेंशन करना है उसका नेम यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही नेम सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको आईडी शो हो जाएगा। अब आपको जिस भी फ्रेंड्स को मेंशन करना है उसका आईडी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर अब आपको अपना स्टोरी लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको यहाँ नीचे में एरो का निशान मिलेगा, एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिलेगा, शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर आपका फ्रेंड्स का आईडी आ जाएगा। यहाँ पे उसे सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे उसे डन कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी जो है क्या आपके प्रोफाइल पे भी लग जाएगा और आपने जिस भी फ्रेंड्स को मेंशन किया है उसे भी इसका मैसेज चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि आपको वो उस फ्रेंड्स को आपका स्टोरी का मैसेज गया कि नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने जिस भी फ्रेंड्स को स्टोरी मेंशन किया है उसे भी यहाँ पे चला गया है मैसेज, चला गया फ़ोटो, चला गया स्टोरी का। तो फ्रेंड्स, अब आपका वो फ्रेंड चाहे तो अपने प्रोफाइल पे स्टोरी को शेयर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।